Welcome back to my channel. In the previous video, we have studied about the basic knowledge of cell, what is cell, and different types of cells so prokaryotic, eukaryotic cell, and multicellular organism and unicellular organism. In this video, we will study about cell membrane and cell wall. So as we know that cells perform all the life functions like all the life functions like uh, intake of food material, excretion, metabolism, respiration, irritability, etc. So cell usually possesses a number of component. Uh, so cell usually possesses a number of component uh, called cell organelles. Each cell organelles performs different uh, functions like clearing waste material, protein synthesis, lipid synthesis, etc. So अ सेल इज़ अ टाइनी मास ऑफ़ प्रोटोप्लाज्म अ सेल इज़ अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय मेंब्रेन विच इज़ सराउंडेड बाय मेंब्रेन एंड इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ फंक्शंस ऑफ लाइफ अ टिपिकल सेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ थ्री पार्ट्स टिपिकल सेल्स जो होता है वो तीन पार्ट्स में बना हुआ होता है प्लाज्मा मेंब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस फॉर इट्स कंट्रोल एंड साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है टू क्रिएट सेपरेट इन्वायरमेंट सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होता है सेल में ठीक है तो अभी जो है अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक सेल है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये जो है एक सेल है ठीक है इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये हो गया मेरा सेल और ये हो गया मेरा साइटोप्लाज्म ये जो स्मॉल स्मॉल ये है ये हो गया मेरा साइटोप्लाज्म ठीक है सो so, वट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट डेलीकेट इलास्टिक द आउटर मोस्ट डेलीकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इन डिफरेंट कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है प्लाज्मा मेम्बरेन इज सिलेक्टिवली परमीएबल इट इट अलाउज इंट्री ऑफ सर्ट सबस्टान रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टिंग अदर्स इट इज़ मेड अप ऑफ बाई लिपिड लेयर एंड प्रोटीन आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड ये क्या बोलता है कि ये जो है वो बाई लिपिड लेयर में बना हुआ होता है और प्रोटीन जो है इंटीग्रेटेड होता है इन एंड इनसाइड मतलब बाहर और अंदर दोनों साइड जो है प्रोटीन इंटीग्रेटेड होता है इस्मोल कॉर्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट प्लेस्ड टू अदर सरफेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन ओके सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है आई विल प्रोवाइड डाइग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दिस वीडियो ओके सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो का फंक्शन क्या होता है तो सेब इट सेफ टू कंटेन कंटेंट ऑफ सेल मैकेनिकल बैरियर सेमी परमेबल होता है एंडोसाइटोसिस होता है इसमें रिकॉग्नाइजेशन सेंटर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑस्मोसिस सेल कंटिन्यूटी मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्सन इन माइक्रोविली ये क्या करता है ये जो है इसमें स्पेशल फंक्शन भी होता है ये क्या होता है एबजॉर्प्सन करता है ठीक है अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है

अब इसमें जो होता है ये जो होता है चार तरह का होता है मेम्ब्रेन जो होता है वो चार तरह का होता है इम परमीएबल परमिएबल सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल तो इम परमीएबल मेम्ब्रेन क्या होता है तो इम इम मेम्ब्रेन में जो है वो सबस्टांस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन सबस्टांस जो है वो मेम्ब्रेन uh, के थ्रू पास नहीं हो नहीं हो पाता है परमिएबल परमिएबल मम्ब्रेन क्या होता है बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास टुगेदर इसमें क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो पास कर सकता है एक दूसरे से सेलेक्टिव परमीएबल सेलेक्टिव परमीएबल का मतलब हो गया कि इट इफ मेम्ब्रेन अलाउज द पासेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सेलेक्टेड सॉल्यूट्स सेमी परमीएबल क्या होता है मेम्ब्रेन परमी मेम्ब्रेन परमीएबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सॉल्यूट पास पैसेज ठीक है एक्टिव तो, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबस्टांस पास द पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग ए टी पी सबस्टांस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग ए टी पी ए टी पी इसमें ए टी पी क्या है ए टी पी इज एडीनोसिन ट्राई फोस्फेट इसका फुल फॉर्म क्या हो गया एडीनोसिन ट्राई फोस्फेट ठीक है अब पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है तो सबस्टांस पास मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि वो एटीपी कंज्यूम कर रहा है लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा एटीपी कंज्यूम नहीं करेगा ठीक है अब हम लोग जानेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्पोसिस पैसिव uh, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सो ऑसमोसिस डिफ्यूजन क्या होता है डिफ्यूजन द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीज़न ऑफ लो इट लोअर कंसनट्रेशन टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गि स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न क्या होता है कि हायर कंस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आता है और वो जो है वो जो गिवन स्पेस जो होता है गिवन स्पेस जो होता है उसमें जो है वो वाइडली स्प्रेड हो जाता है ठीक है ये होता है डिफ्यूज़न ठीक अब हम जानेंगे कि डिफ्यूज़न Okay. इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन का इम्पोटेंस क्या है सो हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सबस्टानस थ्रू आउट साइटोप्लाजम ऑफ सेल ये क्या करता है कि डिफरेंट सबस्टानस को जो है थ्रू आउट साइटोप्लाजम ऑफ द सेल सेल के साइटोप्लाजम में जो है वो स्प्रेड करने में हेल्प करता है ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सोलवेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज़ डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज विदाउट विदाउट द सेल्स एंड देयर इन्वायरमेंट फ़्लावर्स स्प्रेड्स अरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पोलिनेशन फ्लावर्स जो है वो अपने अरोमो को स्प्रेड्स करती है डिफ्यूज़न के थ्रू ताकि वो जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और पोलिनेशन हो सके ठीक है अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस है ठीक है तो डिफ्यूज़न इट कैन डिफ्यूज़न इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस डिफ्यूज़न जो है वो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में हो तीनों में होता है लेक, और it takes only liquid medium, लेकिन और ऑस्मोसिस इट टेक्स ओनली इन लिक्विड मीडियम लेकिन ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में जो है वो कोई भी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है लेकिन ऑस्मोसिस में जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो है रिक्वायरमेंट होता है इट डिफ्यूज़न uh, में क्या होता है इट इक्विलाइज द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्टांस डिफ्यूजन जो है वो इक्वलाइज करता है कंसनट्रेशन लेकिन इट डाइज्रेशन ऑफ सोलवेंट ओन द टू साइड ऑफ मेमब्रेन ओके डिफ्यूजन नेक्स्ट वन डिफ्यूजन सो डिफरेंट सबस्टानिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनादर लेकिन ऑसमोसिस में क्या होता है ओनली सॉल्वेंट अंडरगोज डिफ्यूजन सिर्फ सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट जो है वो अंडरगोज डिफ्यूजन डिफ्यूजन में जाता है ठीक है डिफ्यूजन इज नॉट मच इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सबस्टांस लेकिन ऑस्मोसिस जो है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओके दैट्स इट सो नाओ वी विल नो अबाउट ऑसमोसिस तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसमोसिस एंडो ऑसमोसिस एंड एग्जो ऑसमोसिस एंडो ऑसमोसिस क्या होता है एंडो ऑस्मोसिस मतलब ऑसमोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन टू द सेल और सिस्टम ठीक है एग्जो ऑसमोसिस का मतलब है ऑस्मोटिक विड्रोवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल और सिस्टम ठीक है वैन वी प्लेस द सेल वेन वी प्लेस वेन वी प्लेस The cell in higher concentration the water comes out the cell by a process called exosmosis. क्या बोलता है कि हम जब है किसी सेल uh, को हायर कंसंट्रेशन में रखते हैं तो उसमें से जो वाटर है वो बाहर आ जाता है बाय द सेल बाय अ प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस लेकिन एंडोस्मोसिस में क्या होता है व्हेन वी प्लेस द सेल इन लोअर कंसंट्रेशन द वाटर इंटर्स इनटू द सेल बाय अ प्रोसेस कॉल एंडोस्मोसिस लेकिन अगर हम लोग जो है सेल को अगर लोअर कंसनट्रेशन में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो इंटर कर वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर करता है बाई एंडोसमोसिस Okay, thank you.